दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फाइनेंस निफ्टी इंडेक्स के बारे में कि फाइनेंस निफ्टी इंडेक्स या मंडे के ट्रेडिंग सेशन में इंपॉर्टेंट सपोर्ट और इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल क्या हो सकते हैं। दोस्तों, जैसे कि हमने प्रीवियस वीडियो में फाइनेंस निफ्टी के इंपॉर्टेंट सपोर्ट और इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल के बारे में बताया था, और आज आप देख सकते हैं कि आज फाइनेंस निफ्टी में वही सपोर्ट हमें देखने को मिले। आज जो फाइनेंस निफ्टी ने गिरावट दिखाई है, ये 80 पॉइंट के साथ फाइनेंस निफ्टी क्लोज होता हुआ नजर आया है। अब मंडे के ट्रेडिंग सेशन में फाइनेंस निफ्टी के इंपॉर्टेंट सपोर्ट और इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल क्या हो सकते हैं, इन सारी बातों का एनालिसिस हम यहाँ पे N1 एप्लीकेशन पे करने वाले हैं। तो दोस्तों, ज्यादा समय ना लेते हुए हम यहाँ पे N1 एप्लीकेशन को लॉगिन करते हैं, और लॉगिन करने के बाद फाइनेंस निफ्टी के इंपॉर्टेंट सपोर्ट और इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल को आइडेंटिफाई करते हैं। तो दोस्तों, मैंने यहाँ पे N1 एप्लीकेशन को लॉगिन किया हुआ है। लॉगिन करने के बाद आपको होम पेज पर निफ्टी और फाइनेंस निफ्टी इंडेक्स देखने को मिल जाता है। अगर आपके सामने फाइनेंस निफ्टी इंडेक्स नहीं आ रहा है, तो आपको यहाँ पे साइड में ही एक एरो का बटन देखने को मिलता है। इस पर क्लिक करके आपको यहाँ पे फाइनेंस निफ्टी इंडेक्स को ऐड कर लेना है। अब यहाँ पे मैं फाइनेंस निफ्टी इंडेक्स के ऊपर सिंपली एक बार क्लिक करता हूँ। जैसे क्लिक करता हूँ, तो फाइनेंस निफ्टी इंडेक्स के अंदर जो जो कंपनीज हैं उनकी लिस्ट लग जाती है। नीचे में एक आपको एक चार्ट का और एक ऑप्शन चेन का टैब देखने को मिलेगा। यहाँ पे चार्ट पे क्लिक करना है। मैं चार्ट पे क्लिक करता हूँ, यहाँ पे मेरे सामने फाइनेंस निफ्टी का एक टेक्निकल चार्ट N1 एप्लीकेशन पे ओपन हो जाता है। अब यहाँ पे देखने को मिलता है कि फाइनेंस निफ्टी ने जो एक इंपॉर्टेंट ऑल टाइम हाई लगाया था, वहीं से फाइनेंस निफ्टी में एक प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली है, और यहाँ से फाइनेंस निफ्टी जो है एक निगेटिव डायरेक्शन में काम करते हुए दिखाई दे रहा है। ऐसे में दोस्तों, बात आती है कि मंडे के ट्रेडिंग सेशन में जब मार्केट ओपन होगा, तो फाइनेंस निफ्टी का एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट क्या हो सकता है, क्योंकि मार्केट अभी डाउन ट्रेंड में है। ऐसे में फाइनेंस निफ्टी की अगर मैं सपोर्ट की बात करता हूँ, तो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट बनता है जो है 19,460 का। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट आपको 19,460 का देखने को मिलेगा। यहाँ पे फाइनेंस निफ्टी अपना सपोर्ट लेते हुए दिखाई दे सकता है, लेकिन अगर यहाँ पे सपोर्ट नहीं लेता है, तो यहाँ से जो एक अगला लेवल निकल के आता है, ये 19,400 का हमें देखने को मिलता है। तो अगला सपोर्ट यहाँ पे 19,400 का बनेगा, इस पर भी आपको नजर रखनी चाहिए। और अगर ये सपोर्ट ब्रेक होता है, उसके नीचे चलता है, तो एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट आपको देखने को मिलेगा जो 19,300 का है। क्योंकि फाइनेंस निफ्टी ने अगर आपको देखे, तो पिछले काफ़ी समय से फाइनेंस निफ्टी जो है इस लेवल को होल्ड कर रहा है, मतलब कि 19,300 का एक इंपॉर्टेंट यहाँ पे सपोर्ट बना हुआ है। जब तक ये फाइनेंस निफ्टी 19,300 के लेवल पे है, तो यहाँ पे हम मान सकते हैं कि यहाँ से अपसाइड का मूव हमें देखने को मिल सकता है। लेकिन जिस भी दिन फाइनेंस निफ्टी 19,300 के लेवल को ब्रेक कर देता है, उसके नीचे सस्टेन करेगा, तो फिर फाइनेंस निफ्टी में यहाँ पे एक जोरदार गिरावट हमें देखने को मिल सकती है। तो आपको फाइनेंस निफ्टी के लिए हमने यहाँ पे 3 सपोर्ट पॉइंट बताए हैं। इन सपोर्ट को आपको मंडे के ट्रेडिंग सेशन में नजर रखनी चाहिए। अब बात आती है अपसाइड की, कि अपसाइड में फाइनेंस निफ्टी कितना जा सकता है। अगर फाइनेंस निफ्टी में अपसाइड की बात करें, तो जब तक ये फाइनेंस निफ्टी 19,500 के लेवल के ऊपर है, तो हम यहाँ पे ये लेवल को देख सकते हैं कि अपसाइड में फाइनेंस निफ्टी में 19,500 का 50 का एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस हमें पहला देखने को मिल सकता है। ये लेवल आपको यहाँ पे नजर रखनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे ALM इंडिकेटर बना हुआ है। जिस दिन फाइनेंस निफ्टी 19,550 के लेवल को सस्टेन कर लेगा, तो ऊपर साइड में हमें 19,600 का एक इंपॉर्टेंट लेवल देखने को मिलेगा, क्योंकि यह फाइनेंस निफ्टी का एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस भी है। क्योंकि यहाँ पे फाइनेंस निफ्टी में अगर आप देखें, तो काफ़ी समय पर यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया है, तो 19,600 का एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस यहाँ पे देखने को मिलेगा। अगर फाइनेंस निफ्टी 19,600 के लेवल को होल्ड करता है, उसके ऊपर सस्टेन करता है, तो इसके बाद फाइनेंस निफ्टी में 19,700 का एक लेवल काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्योंकि अगर हम बात करें यहाँ पे, तो प्रीवियस हाई यहाँ पे जो लगा, ये 19,700 के आसपास लगता हुआ नजर आ रहा है, तो ये लेवल काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है फाइनेंस निफ्टी के लिए। इन लेवल को आपको मंडे के ट्रेडिंग सेशन में विशेष तौर पे आपको नजर रखनी चाहिए। अब बात आती है कि फाइनेंस निफ्टी में अगर ऑर्डर लगाना है, तो कैसे लगा सकते हैं। ऑर्डर लगाने के लिए यहाँ पे ऑप्शन चेन पे आना होता है। ऑप्शन चेन पे जैसे क्लिक करेंगे, तो यहाँ पे फाइनेंस निफ्टी के ऑप्शन चेन का डेटा लग जाता है। अब यहाँ पे हम इसको ऊपर की ओर स्लाइड करते हैं, क्योंकि हमें यहाँ पे 19,500 के लेवल पे आना होता है, क्योंकि जो एट द मनी कॉन्ट्रैक्ट है, इसी में हम काम करते हैं। तो जैसे कि 19,500 के लेवल पे हम आ चुके हैं। ऐसे में अगर लगता है कि फाइनेंस निफ्टी में तेजी बनती है, तो कॉल ऑप्शन को बाय करेंगे, और फाइनेंस निफ्टी में अगर गिरावट आती है, तो पुट ऑप्शन को बाय करेंगे। जैसे कि मैं यहाँ पे फाइनेंस निफ्टी में तेजी के लिए पहले बताता हूँ कि अगर फाइनेंस निफ्टी में लगता है कि 19,500 का लेवल होल्ड हो जाएगा, और फाइनेंस निफ्टी 19,600 या 19,700 के लेवल के ऊपर आगे बढ़ेगा, तो इस कंडीशन में 19,500 का कॉल ऑप्शन, 19,450 का कॉल ऑप्शन, या 19,400 का कॉल ऑप्शन को हम बाय करेंगे। ये तो सिचुएशन हो गई बाय साइड की। अब अगर लगता है कि फाइनेंस निफ्टी 19,500 के लेवल को ब्रेक करके नीचे की ओर सस्टेन करता है, और लगता है कि फाइनेंस निफ्टी 19,400 और 19,300 के लेवल के ओर जा सकता है, इस कंडीशन में हम यहाँ पे पुट ऑप्शन को बाय करेंगे। तो मैं यहाँ पे पुट ऑप्शन को बाय करने के लिए
4550 का पुट ऑप्शन, 19600 और 19700 का पुट ऑप्शन के लिए मैं यहाँ पे पोजीशन बनाऊंगा। जैसे कि मुझे लगता है कि यहाँ पे मुझे पोजीशन बनाना चाहिए पुट ऑप्शन के लिए, तो मैं 19600 का पुट को मैं बाय करूँगा। तो इसका जो LTP समय चल रहा है 95 का, इस पर क्लिक करूँगा, यहाँ पर बाय ऑप्शन पर प्लेस करूँगा। बाय ऑप्शन पर प्लेस करने के बाद नंबर ऑफ लॉट मेंशन करना है। फाइनल सेफ्टी के एक लॉट में 40 क्वांटिटीज आती है, आप 40 के मल्टीपल में आप यहाँ पर ऑर्डर लगा सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर देखते हैं 95 के प्रीमियम के साथ जो मार्जिन लगने वाला है ये 3800 लगेगा। नीचे बाय ऑप्शन पे क्लिक करना है, कंफर्म बटन पे प्रेस करना है और अभी मार्केट बंद है इसे हमारा ऑर्डर जो आफ्टर मार्केट लगेगा। यहाँ पे यस ऑप्शन पे प्रेस करना है, जैसे यस ऑप्शन पे प्रेस करते हैं तो हमारा ऑर्डर यहाँ पे प्लेस हो जाता है। जैसे हमारा ऑर्डर प्लेस होता है और मंडे के दिन हमारा लेवल आएगा, तो वो लेवल पर जैसी पोजिशन हमारी एग्जीक्यूट होंगी तो हमें जो हमने ऑर्डर लगाई है पोजिशन में देखने को मिलेगा। तो दोस्तों इतना ईजी इतना आसान हो जाता है एंजल वन एप्लीकेशन को यूज़ करना और यहाँ पे काम करना। दोस्तों अगर आपने अभी तक अपना डिमेट अकाउंट एंजल वन में ओपन नहीं किया तो मैंने बेस्ट ऑफर्स के साथ फ्री डिमेट अकाउंट ओपनिंग लिंक को डिस्क्रिप्शन में लगा के रखा है। आप आज ही अपना डिमेट अकाउंट एंजल वन के साथ ओपन करें और यहाँ से अपने इन्वेस्टमेंट की जर्नी को स्टार्ट करें। मिलते हैं दोस्तों अगले टॉपिक में नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।